सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अरविंद पटेल, अरविंद जी, जिस तरह से बताया गया एक कुत्ते की मौत हो गई है और कुत्ते ने जान बचा ली कई लोगों की, क्या है पूरा बताइए मामला। सर, ये कुत्ता पहले भौंक रहा था, कुत्ता भौंकने से ही मतलब सब लोग मोहल्ले की जगह, फिर इसके बाद जब विस्फोट हुआ तो इसके बाद कुत्ते की आवाज मतलब कुल मिला खत्म हो गया। वो पालतू कुत्ता था जी? किन का था? नहीं, रखे फर्नीचर वालों का, दुकान मालिक का। फिर क्या हुआ? फिर उसके कुत्ते की आवाज ही बंद हो गई और सब लोग बाहर हो गए। बस फाइव वीडियो वाले कब से ये कर रहे हैं? ये बिजनेस तो कम से कम 15 साल से हो गए होगा। तो क्या कहा जा सकता है कुत्ते की वजह से सभी की जान बच गई? संभवतः ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और फर्नीचर दोनों का शोरूम था एक साथ में, तो ये नीचे अंडरग्राउंड में प्लाईवुड का सामान रखा था, वहाँ से आग लगना चालू हुई है, फिर ऊपर वार्निश का सामान रखा था तो उसके साथ एक अचानक से आग बढ़ गई। तो कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं? मकान जो मेन बिल्डिंग थी चार खंड की शोरूम वाली, वो पूरी गिर गई है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। बगल वाले एक लेखपाल साहब का मकान है, उनका भी मकान क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह। अभी भी आग जल रही है? हाँ, आग अभी जल रही है लगातार, उसमें कोई मतलब जितना ऊपर का ढांचा तो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, नीचे जो अंडरग्राउंड का सामान है वो उसमें आग पूरी लगी हुई है। कभी करी कितने नुकसान हुआ, कितने का लागत? नुकसान तो भाई साहब पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, चार अखंड का रिहायशी मकान था पूरा, उसमें शोरूम था, इलेक्ट्रॉनिक का पूरा सामान था। अभी बताते हैं कि नया स्टॉक भी आया था इनका गर्मी को देखते हुए, एसी वगैरह का, फ्रिज वगैरह का, और पूरा फर्नीचर का सामान सब मतलब बचा तो कुछ भी नहीं है। ठीक, देखिए आग की सूचना जब मिली तो हमारी एक यूनिट ऑलरेडी अतरदा में मौजूद थी, वो गाड़ी सब सर्वप्रथम यहाँ पहुँची। उसके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि सर आग बहुत भयंकर है और जितने साधन हो सके उसको लेके आइए। तो श्रीमान सीएफओ महोदय श्री अनूप सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने जनपद की सारी गाड़ियाँ बुला ली और महोबा और चितकूट से भी गाड़ियाँ मंगाई गई। कितने मकान में नुकसान पहुँचा है? अगल बगल के दोनों मकानों को नुकसान पहुँचा है। कितनी मंजिला इमारत थी ये? 4 मंजिला इमारत थी। आग पे काबू पाया जा सके? आग पे जो ये बिल्डिंग गिरने की वजह से पीछे का हिस्सा जो गिर गया उसकी वजह से एक रास्ता ब्लॉक हो गया और एक रास्ते से अंदर घुसना संभव नहीं है। जब तक दोनों रास्ते खुले नहीं होते तब तक आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है, लगने की वजह से कमजोर हो। ब्लास्ट भी हुआ है बताया गया? हाँ, इसमें गैस सिलेंडर रखा था ऊपर तीसरी मंजिल पर, वो बाद में ब्लास्ट हुआ। आज इसमें हम लोगों को पहले से मालूम ही नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि हम बांदा से आते हैं तो आए तो मेन रोड ही देख पाते हैं, न कि गली देख पाते हैं। इस वजह से इस जगह का पता नहीं। घटने के बाद दुकान मालिक मिले हैं आपको? नहीं, फरार है। हाँ, अभी तक हमसे मुलाकात नहीं की। दीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।